हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है तेज और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यू टेक वर्ल्ड पर। दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। वीडियो में मैंने आपको टाटा प्ले बिंज का जो फ्लेक्सी प्लस प्लान है 199 रुपीज़ का, इस प्लान के बारे में डिटेल में बताया था कि इस प्लान में क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं और आपको रिजोल्यूशन कितना मिलता है, 4K मिलता है, फुल HD मिलता है, वो सारी डिटेल मैंने बताई थी। लेकिन उस वीडियो के बाद काफ़ी सारे यूजर्स और सब्सक्राइबर के कमेंट आए मेरे पास में। कई यूजर्स ने पूछा है कि इसमें ऑटो पे में 400 रुपीज़ क्यों दिखाता है जबकि ये 199 रुपीज़ का प्लान है। और कई सब्सक्राइबर ने और यूजर्स ने पूछा है कि जो डिफरेंट आपके OTT एप्स हैं जैसे प्राइम, एप्पल TV प्लस है, डिज्नी हॉटस्टार, G5 वगैरह, इन सबको क्लेम कैसे करना है, यानी इनके सब्सक्राइबर को कैसे हम लिंक कर सकते हैं टाटा प्ले बिंज के जो सब्सक्रिप्शन है उसके साथ में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आज के वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट जो ये OTT एप्स है, प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉटस्टार, G5, इनके जो सब्सक्रिप्शन है उनको आप क्लेम कर सकते हैं और उनको अपने टीवी में इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सारी डिटेल आगे मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूँ कि इसमें ऑटो पे में 400 रुपीज़ क्यों दिखाता है जबकि आपका प्लान 199 रुपीज़ का है। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ कुछ, जैसे यहाँ से एप्लीकेशन में सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्राइम चूज योर ऐप्स यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ मैं। इसके बाद जैसे प्राइम सेलेक्ट कर दिया मैंने, हॉटस्टार सेलेक्ट कर लिया, G5 कर लिया, एप्पल TV प्लस कर लिया, एक डिस्कवरी प्लस कर लिया, इसके अलावा एक शिमारू ऐप है ये मैंने सेलेक्ट कर ली। 6 एप्लीकेशन टोटल मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। इसको कन्फर्म प्रोसीड करते हैं तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाएगा डिटेल्स, प्रोसीड 199 रुपीज़ पर मंथ है। इसको प्रोसीड करते हैं यहाँ से। मोबाइल नंबर से आप इसे लॉगिन कर लीजिए और ध्यान रखिए मोबाइल नंबर आपको वही यूज करना है जो किसी और प्लान से आपका लिंक ना हो, किसी और वीडियो या फिर आपका जो सब्सक्रिप्शन से ऐड ना हो, या फिर आपके पास में ऐसा मोबाइल नंबर हो जिसमें कि कोई प्लान आपका एक्टिव ना हो, वो चीज़ आपको ध्यान रखना, नहीं तो इशू आएगा। कई सारे लोगों के साथ में इशू आता है कि चल नहीं रहा है, तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका ये डिटेल्स आ रहा है, ऑटो पे विल बी क्रिएटेड विद ए लिमिट ऑफ ₹400। इसको सेलेक्ट करते हैं, आप देख सकते हैं टाटा प्ले बिंज ने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया, ऑटो प्ले लिमिट एक्सप्लेन, पेबल अमाउंट 199 रुपीज़ है और ऑटो पे लिमिट है 400 रुपीज़। तो ये शायद इसलिए इन्होंने किया है 400 रुपीज़ कि अगर आप कभी भी प्लान को अपडेट करना चाहें या मॉडिफाई करना चाहें तो बार बार ऑटो पे लिमिट है आपको चेंज नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं अपने जो मैंने फ़ोनपे से अमाउंट पे किया था उसकी डिटेल्स भी बता देता हूँ हिस्ट्री में जाके, उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, मेरे फ़ोनपे में ये हिस्ट्री में जाके मैंने डिटेल चेक की है तो आप देख सकते हो ऑटो पे इज एक्टिव और ये आपका दिखा रहा है ये अप टू 400 रुपीज़ है और टाइम भी दिखा रहा है लगभग 3 साल का है, 1 जून से लेके 1 जून 2027 यानी 24-27 3 साल तक का है। तो ऑटो पे लिमिट ये इन्होंने 400 रुपीज़ की हुई, लेकिन जो मेरा अमाउंट डिटेक्ट हुआ था आप देख सकते हैं टाटा पे लिमिटेड जो टोटल ट्रांजेक्शन हुआ था 199 रुपीज़ का ही हुआ था, यहाँ ट्रांजेक्शन डिटेल भी देख सकते हैं। तो ये तो आपका एक डाउट क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन उनका सब्सक्रिप्शन आपको कैसे क्लेम करना है। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आप क्या है कि जो अमेजन प्राइम वीडियो है और आपका एप्पल टीवी प्लस है इसका एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, या फिर आपके पास ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है तो उसमें कोई सब्सक्रिप्शन आपका एक्टिव नहीं होना चाहिए। तो मैं बताता हूँ कैसे आपको क्रिएट करना है। आप देख सकते हैं ये जैसे amazon.in पे आप जाएंगे तो क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं, तो आप एक नया अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। अगर ऑलरेडी आपने अकाउंट किया हुआ है क्रिएट, उसकी डिटेल्स यूज़ हो जाएंगी और उसमें मोबाइल नंबर जरूरी नहीं है, सेम हो डिफरेंट मोबाइल नंबर भी हो सकता है। जो आपका टाटा प्ले बिंज का जो प्राइम वीडियो का लाइट सब्सक्रिप्शन है उस अकाउंट में वो लिंक हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐसे ही आपको एप्पल टीवी प्लस के लिए क्या करना होगा, एक एप्पल टीवी की आईडी क्रिएट करनी होगी, या तो आपके पास एग्जिस्टिंग एक आईफोन या फिर आईपैड होना चाहिए, या फिर आप एक नई एप्पल आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे क्रिएट योर एप्पल आईडी, इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से डिटेल डालकर एक नई एप्पल आईडी आप क्रिएट कर लीजिए। अब आपको आगे की डिटेल में टीवी बताता हूँ क्योंकि मोबाइल में भी आप कर सकते हैं लिंक, लेकिन मोबाइल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, टीवी में थोड़ा सा क्लियर आपको अच्छी तरह हो जाएगा कैसे कैसे आप डिफरेंट एप्लीकेशन उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्राइम वीडियो से हम शुरू करेंगे। दोस्तों, मेरा सैमसंग टीवी मैंने टाटा प्ले बिंज ऐप इंस्टॉल की हुई है और इसमें सेम ही नंबर से लॉगिन किया हुआ जिस नंबर से मैंने अभी सब्सक्रिप्शन लिया था 199 रुपीज़ का। तो इसको ओपन करते हैं यहाँ से। इसके बाद दोस्तों आपको जाना है यहाँ से होम में जाना है, फिर थोड़ा सा डाउन करेंगे तो सभी एप्लीकेशन आपको शो हो जाएंगी। आप देख सकते हैं ब्राउज बाय ऐप्स ये ऑप्शन आ रहा है, इसमें यहाँ पे आप आ जाइए और प्राइम वीडियो यहाँ से सेलेक्ट करिए। जैसे प्राइम वीडियो सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आएगा आपके पास में, एक सीरीज़ को यहाँ से ओपन करके देख लेते हैं, पंचायत सीरीज है, इसको ओपन करते हैं यहाँ से। दोस्तों, जो फर्स्ट टाइम आप अमेजन प्राइम का कोई कंटेंट सेलेक्ट करेंगे टाटा बिंज ऐप में जाकर, तो आपको ये स्क्रीन शो होगी यहाँ पे। इसमें आप देख सकते हैं इसमें QR कोड शो हो रहा है, क्लेम अमेजन प्राइम विद बिंज, तो आपको ये QR कोड स्कैन करना है और अपना जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है जो आपने क्रिएट किया था या ऑलरेडी एक अकाउंट है उससे आपको लिंक करना है। तो जैसे मोबाइल से मैं QR कोड को स्कैन करता हूँ,
मोबाइल से इसको स्कैन करता हूँ, यहाँ से ये मैंने स्कैन किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन को एक्टिव कर चुका हूँ, तो इसमें ऑप्शन आ रहा है कि अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू स्टार्ट योर सब्सक्रिप्शन, इट लुक्स लाइक यू ऑलरेडी हैव एन एक्टिव सब्सक्रिप्शन, प्लीज़ डबल चेक द स्टेटस योर सर्विस प्रोवाइडर। तो दोस्तों इस तरीके से अगर ये QR कोड स्कैन करेंगे तो मोबाइल में क्या है कि आप अपने जो अमेज़न प्राइम का अकाउंट है उसको लिंक कर पाएंगे टाटा प्ले बिन्स के सब्सक्रिप्शन से, और उसमें ज़रूरी नहीं मोबाइल नंबर आपका सेम हो। मैं दिखा भी देता हूँ, जैसे मेरे पास ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन मैंने ऐड किया हुआ है तो उसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइम प्लान है मेरा, प्राइम लाइट विद टाटा प्ले। तो टाटा प्ले का ये सब्सक्रिप्शन आपका ऐसे दिखाना चाहिए आपके अमेज़न प्राइम के अकाउंट में। इसमें आप देख सकते हैं और भी कई आपको फीचर मिलते हैं, फ्री वन डे डिलीवरी मिलती है आपको, प्राइम वीडियो मिलता है जो आपके फुल HD में दो आपके डिवाइसेस पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा 5% कैशबैक का ऑफर भी मिलता है अगर आपके पास में ICICI का अमेज़न पे का कार्ड है, तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, प्राइम जो वीडियो है उसमें आपको लॉगिन करना है सेम ही अकाउंट से। तो मैं जैसे आपको बताता हूँ करके, सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन इन का ऑप्शन है, साइन इन पे जाते हैं प्राइम वीडियो में, और QR कोड स्कैन करना है आपको, तो QR कोड यहाँ से स्कैन करते हैं और अपने प्राइम वीडियो का जो सब्सक्रिप्शन लिया था उसको यहाँ से लिंक करते हैं प्राइम वीडियो ऐप में। ये मैंने लिंक कर दिया अपने आप ही आपके TV पे, अब ये प्राइम वीडियो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों प्राइम वीडियो यहाँ से मेरा लिंक हो गया, अब मैं प्राइम वीडियो कंटेंट यहाँ से इजीली वॉच कर सकता हूँ। अब आपको क्या बार बार टाटा प्ले बिंज ऐप में जाने की जरूरत नहीं है, सीधे आप प्राइम वीडियो ओपन करिए और कोई भी कंटेंट आप फुल HD में यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरी एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ, पहले आपको एप्पल TV प्लस के बारे में बताता हूँ। तो एप्पल TV प्लस को कैसे आपको एक्टिवेट करना है वो डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों एप्पल TV प्लस ऐप मैंने इंस्टॉल कर लिए, ये फायर स्टिक में आपको शो करके बता रहा हूँ। अब आप जाते हैं हम टाटा प्ले बिंज ऐप में, दोस्तों टाटा प्ले बिंज ऐप में एप्पल TV प्लस यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। अब कोई कंटेंट यहाँ से प्ले करके देखते हैं, इसको करते हैं प्ले Season 4 Episode 1। आप देख सकते हैं इसमें साइन इन और साइन अप का ऑप्शन आ रहा है, साइन इन विद योर रिमोट और स्कैन QR कोड। तो मेरा जो ये iPad है इससे मैं इसको लिंक करके आपको बताता हूँ। तो जैसे QR कोड को स्कैन करता हूँ Apple ID से लिंक हो जाएगा। अब इसको मैं साइन इन करूँगा यहाँ से और Face ID से मैं इसको ऑथेंटिकेट कर देता हूँ। तो आपका ये लिंक हो गया है Apple TV Plus से, आपका ये जो है टाटा प्ले बिंज का सब्सक्रिप्शन अब आपका एक्टिवेट हो गया है। अब आप इसको वॉच कर सकते हैं Apple TV Plus में जो कंटेंट है। अब इसमें भी वॉच करने के लिए आपको क्या है कि टाटा प्ले बिंज ऐप में आप जाने की जरूरत नहीं है, सीधे आप Apple TV Plus में जाके कंटेंट को वॉच कर सकते हैं। आपका कंटेंट यहाँ से प्ले हो गया है। अगर कंटेंट के आप डिटेल देखेंगे इन्फो में जाके, तो आप देख सकते हैं ये 4K और HDR Dolby Atmos के साथ में आता है, यानी Apple TV Plus में आपको 4K भी मिल जाता है और Dolby Atmos भी मिल जाता है। अब सीधे आप Apple TV ऐप में जाके नेक्स्ट टाइम कोई भी कंटेंट आप प्ले कर सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ आपको जो दूसरी ऐप्स हैं, जैसे कि आपका डिज्नी हॉटस्टार है, G5 है और कुछ एक दो ऐप्स आ रहे हैं, उनके बारे में आपको वो बता देता हूँ। दोस्तों डिज्नी हॉटस्टार ऐप अपने फायर स्टिक में एंड्रॉइड TV इंस्टॉल कर लीजिए, और इसमें आपको उसी नंबर से लॉगिन करना है जिस नंबर से आपने टाटा प्ले बिंज का सब्सक्रिप्शन लिया है। तो उसमें जाके आपको आप लॉगिन करेंगे, जैसे सेटिंग्स में जाके बता देता हूँ मैं, हेल्प एंड सेटिंग में जाएंगे, इसमें मैंने सेम ही नंबर से लॉगिन किया हुआ है जिस नंबर से मैंने टाटा प्ले बिंज का सब्सक्रिप्शन लिया है। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली डिज्नी हॉटस्टार ऐप में लॉगिन कर लीजिए सेम नंबर से, और वहाँ से कंटेंट आप वॉच कर सकते हैं। दोस्तों डिस्कवरी प्लस और आपका G5 ऐप है उसके कंटेंट आप डायरेक्टली टाटा प्ले बिंज ऐप में वॉच कर सकते हैं। आपको अगर डायरेक्टली डिस्कवरी प्लस ऐप और G5 में कंटेंट वॉच करना है कंटेंट सर्च करके, तो वो भी ऑप्शन पॉसिबल है। आपको उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा डिस्कवरी प्लस में जो टाटा प्ले बिंज ऐप का सब्सक्रिप्शन है। तो जैसे इसको हम ओपन करते हैं मोबाइल के ब्राउजर में, www.discoveryplus.in/activate, इसको इसमें ओपन करता हूँ क्रोम ब्राउज़र में। आप देख सकते हैं ये वाला मैंने ओपन कर लिया लिंक मोबाइल में, discoveryplus.in/activate। तो आपको मोबाइल नंबर से यहाँ पे लॉगिन करना, सेम ही मोबाइल नंबर जो कि टाटा प्ले बिंज ऐप में उससे मैं लॉगिन करता हूँ। OTP आ गया है, अब इसको इसमें डाल लेते हैं, इसका सबमिट कर देते हैं। अब आपका ये वाला कोड जो TV पर शो हो रहा है 6 डिजिट का, वो इसमें एंटर करना है। तो इसको एंटर कर देते हैं, यहाँ पे एक्टिवेट सक्सेसफुली कनेक्टेड, आपका ये अभी TV में एक्टिवेट हो गया। तो आप सीधे अब यहाँ से कंटेंट डिस्कवरी प्लस के वॉच कर सकते हैं, आपको बार बार टाटा प्ले बिंज ऐप में जाने की जरूरत नहीं है। और G5 का भी करके चेक कर लेते हैं, उसमें भी ऐसे ही हो जाता है, नहीं होता। तो G5 के ऐप ओपन करते हैं, G5 के ऐप में यहाँ से साइन इन का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करते हैं। इसमें एक ऑप्शन आ गया एक्टिवेट G5 एंड गेट एक्सेस टू 1000 ऑफ कंटेंट। तो आप QR कोड से भी कर सकते हैं लॉगिन विद मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर से मैं यहाँ से लॉगिन करके देख लेता हूँ।
ओके करते हैं इसको, और ओटीपी आएगा मोबाइल में, तो ओटीपी यहाँ पे आपको एंटर करना है। टीवी कनेक्टेड सक्सेसफुली, आप सीधे, आप चाहे तो इससे सीधे टाटा प्ले बिन्स ऐप से आपका लिंक हो गया, वहाँ से आप कंटेंट वॉच कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप G5 में भी सब्सक्रिप्शन ऐड करके कंटेंट वॉच कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में होप है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। एक तो आपका ऑटो पे का डाउट था कि वो 400 रुपये दिखाता है लेकिन कटता, लेकिन उसमें आपका 199 रुपीज़ ये, तो वो डाउट मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा ये कि डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन जैसे आपके अमेज़न प्राइम वीडियो हो गया, डिज्नी हॉटस्टार हो गया, डिस्कवरी प्लस हो गया, एप्पल टीवी प्लस हो गया, G5 हो गया, उसको आपको कैसे सब्सक्रिप्शन क्लेम करनी है, वो सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में बता दी। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यहाँ पे आपको ऐसे ही कंटेंट फ्यूचर में देखने को मिलते रहेंगे। और दोस्तों आपका कोई भी क्वेरी और क्वेश्चन अभी भी रिमेनिंग है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।